फिर आप पीछे हो पीछे हो जाने दो अरे कौन है भाई मेरे पीछे बंद कर दो ये तुम आ जाओ खराब है मम्मी थोड़ा पीछे हो जाओ स्पेस दो थोड़ा स्पेस दे दो प्लीज आपका मोबाइल चार्जर पे है ये रुक बैग बोल दरवाजा बंद कर बाबू इधर आ तू दरवाजा बंद कर एक मिनट आराम से साइड दो ना साइड का मोबाइल राखी तुम अंदर जाना चार्जिंग पे है चिल्लाती रही दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है किडनी में बॉडी में सर में थैंक यू गॉड थैंक यू शी इज विद यू आई बिलीव शी इज विद यू थैंक यू गॉड And move to the bedroom. So, yes. Yes. Yeah. Just a second. Thank you. We absolutely understand the emotion. Though.
तक चले तो भी हानि ना सेना करूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के समूह में मेरे लिए मेज बिठाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है निश्चय भलाई और करुणा। जीवन भर मेरे साथ साथ बड़ी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन, आमीन। May the Lord add His blessing to the reading of His scripture. Parmeshwar apni aashish barsaye apne vachan ke upar. I just ask Pastor Arun, jo hamare kalsa ke paaswan hain, jo is waqt hamare saath kuch vachan ko baantne wale hain Parmeshwar ke vachan ke dwara, aur wo English mein prachar karenge, lekin bhai uska aage. Reward her richly for her action and for her faith. The Bible says, you know, if you give a small glass of water to a small child, he or she has a great reward in heaven. So now I'd like to encourage this evening and this afternoon, you know, in the scriptures, the parents, is asking that Bible started us to be encouraged like this. I'm going to read from First Thessalonians, chapter 4:18. राखी का साथ करना छोड़ना, राखी को बहुत प्यार करना, बहुत प्यारी है, मेरी लाडली है, सबसे छोटी है, यही शब्द है माँ के। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द लॉस व्हाट इज हैपेंड टू अस। और इस दुनिया में राखी उनसे माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, वो इसका विटनेस हूँ मैं, हर हमेशा जानता था, जब भी जाता था माँ जब बोल भी नहीं सकती थी राखी की आवाज़ से बोलती थी, जब प्रे करती थी तो वो बहुत ठीक फील करती थी। मैं आज मैं सच कहूँ तो दिल से तहे दिल से खुश हूँ कि मेरी माँ संसार को छोड़ के चली गई एक हेवन में, एक अच्छी जगह जहाँ कोई इंजेक्शन, कोई दवाइयाँ, कोई प्रेक, कोई दवाइयाँ, कोई भी दर्द नहीं होगा। अनाथ हो गई हूँ ऐसा फील हो रहा है, कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा मत बोलो। अनाथ हो गई हूँ ऐसा फील हो रहा है, माँ नहीं, बाप नहीं।